दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क हर दिन अलग अलग वजह से सुर्खियों में रहते हैं। पिछले महीने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदकर चर्चा बटोरी थी। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के को-फाउंडर एलन मस्क ट्विटर को $44 अरब में खरीदकर उसके मालिक बन गए। मगर उससे अब कहीं ज्यादा चर्चा मस्क और बिल गेट्स के बीच झगड़े की हो रही है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का तमगा कभी बिल गेट्स के पास भी था, लेकिन अब वे चौथे नंबर पर हैं। पिछले कुछ दिनों से दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। बिल गेट्स ने 4 मई को कहा कि एलन मस्क के ट्विटर टेक ओवर करने से कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। एक कार्यक्रम में उन्होंने यहां तक कह दिया कि इससे गलत सूचना के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की समस्या और अधिक बढ़ जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, टेस्ला और स्पेसएक्स के साथ उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, लेकिन इस बार क्या होगा इसे लेकर मुझे संदेह है। हालांकि हमें खुले दिमाग के साथ रहना चाहिए और एलन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। फोर्ब्स के मुताबिक मस्क की कुल संपत्ति $265 बिलियन है, वहीं बिल गेट्स का नेटवर्थ $131.9 बिलियन है। एलन मस्क और बिल गेट्स दोनों अलग अलग क्षेत्र के दिग्गज हैं, हालांकि उनके बीच लंबे समय से विवाद होता रहा है। पिछले 2 सालों में कोरोना वायरस से लेकर क्रिप्टो करेंसी तक दोनों के बीच बहस सामने आई है। दोनों एक दूसरे पर बयान देने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। कुछ दिनों पहले मस्क ने बिल गेट्स की एक तस्वीर को लेकर मजाक उड़ाया था। उन्होंने गेट्स की तस्वीर के साथ एक प्रेग्नेंट पुरुष की इमोजी का कोलाज बनाकर ट्वीट किया। इस पर मस्क की लोगों ने काफी आलोचना भी की थी। हालांकि बिल गेट्स ने मस्क के ट्वीट्स को लेकर कहा कि इन सब चीजों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुधवार को बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बिल गेट्स ने कहा, उन्हें मेरे लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। पिछले हफ्ते मस्क ने बिल गेट्स पर टेस्ला के स्टॉक को शॉर्ट करने का आरोप भी लगाया था। दरअसल पिछले दिनों मस्क और गेट्स के बीच चैट के कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए थे। इन स्क्रीनशॉट्स को मस्क ने सही बताया था, हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि इनमें कोई सीक्रेट नहीं है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, मैंने टेड में कई लोगों से सुना कि गेट्स ने अब भी टेस्ला के 50 करोड़ शेयर शॉर्ट कर रखे हैं। जब कोई इन्वेस्टर या ट्रेडर किसी शेयर की वैल्यू गिरने पर दांव लगाता है तो उसे शॉर्ट करना कहते हैं। बिल गेट्स और एलन मस्क हैं तो दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों में शामिल, लेकिन ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में गेट्स ने मस्क की संपत्ति और उनकी बिटकॉइन के प्रति दीवानगी को लेकर चेतावनी दे डाली थी। बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट पर पिछले साल बिल ने कहा था, अगर आपके पास एलन से कम पैसा है तो आपको संभवतः रुक कर देखना चाहिए। एलन के पास पैसों का भंडार है, इसलिए मुझे उनकी बिटकॉइन के ऊपर या नीचे जाने की कोई चिंता नहीं है। COVID-19 महामारी की शुरुआत से ही एलन मस्क भी अपना ज्ञान देते रहे हैं। मार्च 2020 की शुरुआत में उन्होंने एक ट्वीट कर कहा था कि कोरोना वायरस को लेकर पैनिक होना बेवकूफी है। मार्च 2020 में ही मस्क ने यह भी भविष्यवाणी कर दी थी कि अप्रैल 2020 के अंत तक अमेरिका जीरो केस की तरफ चला जाएगा। इसी तरह मस्क ने कोविड के दौरान आइसोलेशन का भी विरोध किया था। उन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर भी सवाल उठाए थे। मस्क के इन बयानों पर बिल गेट्स ने उन्हें पलटकर सुझाव दे दिया कि उन्हें अपने काम पर ही फोकस करना चाहिए। CNBC को दिए एक इंटरव्यू में गेट्स ने कहा था, उन्हें वैक्सीन को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं है, वे बढ़िया इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं, उनका रॉकेट भी बढ़िया काम करता है, इसलिए उन्हें जिन चीजों के बारे में जानकारी नहीं हो वहां ज्यादा नहीं घुसना चाहिए। अगस्त 2020 में बिल गेट्स ने इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने को लेकर सवाल उठाते हुए कहा था कि क्या ये प्रैक्टिकल है। उन्होंने टेस्ला का नाम नहीं लिया था, हालांकि उनका इशारा टेस्ला सेमी ट्रक पर ही था। गेट्स के इस बयान पर एक यूजर ने ट्विटर पर मस्क से उनकी राय भी मांग ली थी, जिस पर मस्क ने कहा था कि उन्हें यानी कि गेट्स को इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि साल 2020 में ही एक इंटरव्यू के दौरान गेट्स ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर टेस्ला की तारीफ की थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी तो उन्होंने टेस्ला के बदले पोर्श टाइसन को चुना था। दोनों के बीच मतभेद सिर्फ इस ग्रह पर ही नहीं है, बल्कि दूसरी दुनिया को लेकर भी है। दूसरी दुनिया यानी कि अंतरिक्ष और दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना देखना। पिछले साल जब कुछ अरबपतियों की स्पेस यात्रा के बारे में बिल गेट्स से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि उन्हें अंतरिक्ष के बदले धरती पर बीमारियों को खत्म करने में ज्यादा दिलचस्पी है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन दुनिया जानती है कि एलन मस्क की स्पेस में काफी दिलचस्पी है और उनकी कंपनी SpaceX पिछले सालों में अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने से लेकर सैटेलाइट सेटअप करने में काफी ज्यादा एक्टिव रही है। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।